औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदाए रब्बुल जलाल ने ज़मीन व आसमान के अंदर हर शख्स को आज़माया है और आज़मा रहा है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके नबी से कितनी मोहब्बत करता है, अम्बिया से कितनी मोहब्बत करता है और ख़ास तौर पर अहले बैत से मोहब्बत कितनी करता है। और उस एक तराजू है, एक मीज़ान है जिसके ज़रिए खुदा ताला की ज़ात जो है इंसान को उसका टेस्ट लेती है। और हर इंसान उस तराजू में, उस जो मेज़ान है उसमें अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से जाता है। और आज जो हमारे मेहमान हैं, जिसका मैं बाद में आपको तारफ़ भी करवाता हूँ, उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो अम्बिया ने और पैगम्बरों ने अपनाया। यानी खुदा ताला की ज़ात ने अम्बिया से जब काम लिया तो उसके लिए दो चीज़ें रखी। उनमें से जो मेन चीज़ है वो क्या था? खुदा ताला की ज़ात ने अम्बिया का टेस्ट लिया तो गमे हुसैन से लिया, आशूरा से लिया, करबला से लिया। और यही काम आज जो हमारे मेहमान हैं जनाब इजहार हैदर साहब, वो उन्होंने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। यानी इस ज़मीन पे जहाँ पे कोई इस्लाम को जानता नहीं था, इस्लाम को तो शायद जानते हो लेकिन करबला के वाक़या को कोई नहीं जानता था, गमे हुसैन को कोई नहीं जानता था, आशूरा को कोई नहीं जानता था, अरबईन हुसैनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने जहाँ पे उसका परचम बुलंद किया। और आज हम उसी हवाले से जो आज 42 इस साल जो है वो 42nd यानी 42वां जो प्रोटेस्ट है वो निकाला जा रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमान से जनाब इजहार हैदर साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज कल जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे लोग तो हैं, हमारे मोमन भी हैं, शिया भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जुलूस निकालना भी चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खौफ सी कफ़ियत है, वो निकाल नहीं पाते। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने दिलेरी का मुजाहरा किया और आपने अपनी बहादुरी से बिला खौफ एक काम किया, स्टेप उठाया, आप उन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं उनके अंदर खौफ है, उस खौफ को कैसे ख़त्म करके वो आज़ादारी के लिए और इस जुलूस को लेके आगे चलें? ये तो मैं बहुत मुश्किल बताना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। मैं कभी डरता नहीं। बहुत से वाक़ात ऐसे हुए हैं जहाँ पर मेरी जान भी खतरे में थी, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। इस मामले में मौला के मामले में नहीं डरता, बाकी वैसे बहुत डरपोक आदमी हूँ मैं, लेकिन मौला के मामले में पीछे हटता नहीं। मेरे वालिद आज से 60 साल पहले, उनकी जो छड़ी थी ना, इट वॉज ए सोल्ड, और मौला के नाम पर कोई कह दे तो यू टेक इट आउट, इतना वो था। तो हमारी फैमिली से कोई इस शिया पर बात नहीं करता था, कहता ये पागल है इनसे बात नहीं करो। एनीवे यहाँ पर आए, मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था। 1980 में हम ये बना दिया सेक्रेटरी मिशन का, हुसैनी मिशन का। तो सबजारी साहब उस ज़माने में वहाँ पर मौलाना थे, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी बगैर मदद के तो कुछ होता नहीं, अकेला मैं कुछ नहीं होता। तो उसमें सैयद आशूर काजमी जो थे, इन्होंने बड़ी मदद की। और एक ख़ास बात थी कि मैं चीखता रहूँ, डांटता रहूँ, कुछ भी करूँ, मुँह से कुछ नहीं बोलता था, जो कहूँगा वो कर देगा। और वाकई मोहब्बत ने अहले बैत में, अगर शिलों का नाम लेता हूँ तो आशूर काजमी इज़ वन ऑफ देम, और उसकी बड़ी खिदमत है। और रात के 12 बजे काम करूँगा तो 12 बजे करें काम। एनीवे शुरू में क्या हुआ कि कुछ उलमाए कराम ने मेंबर रसूल पे बैठ करके ये कहा कि ये जुलूस मत निकालो, हमारे अपने अपने ये हुआ, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं। और मैंने एक ही बात कही, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसे कोई रोक नहीं सकता, ख़त्म बात। झगड़े भी हुए कुछ, एनीवे उसमें नहीं जाऊँगा मैं।
तो ये एक एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये की कि हम इसे पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे कभी भी, कुछ हो जाए। जहाँ पॉलिटिक्स की बात आई उनको ख़त्म किया कि नहीं पॉलिटिक्स नहीं आएगी इसके अंदर, और वो हमने कभी अलाउ नहीं किया। फिर तीसरी बात, शुरू किए तो एक आध साल का नहीं पता मैं कह सकता, लेकिन लास्ट 40 ईयर्स में कभी मैंने हाथ नहीं फैलाया। ये सबसे बड़ी बात है। कभी मांगा नहीं किसी ने, लोगों ने हिम्मत की। ये नहीं कि मैं अब जैसे एक प्रोजेक्ट है, स्क्रीन है जो लगती है वहाँ पर, इट कॉस्ट 3,000 पाउंड, मेरे पास तो है नहीं पैसे, तो मैं एक मैसेज देता हूँ एनीबडी वांट्स टू स्पॉन्सर इट, तो लोग निकल आते हैं और काम जो है वो हो जाता है माला का फौरन। इसी तरह से ये जो इवॉल्व हुआ है बहुत स्लो स्लो, पहले साल 82 की बात है, 18 दिसंबर की, एक जगह है इनसाइड दी हाइट पार्क, वहाँ से निकला था और 100-120 आदमी थे, और उसमें से एक प्रोमिनेंट नेम याद आ गया अभी एकदम, ये जुल्फी बुखारी का नाम बड़ा शुरू सुनते हैं ना, ये पैदा भी नहीं हुआ था, इसके वालिद मेरे साथ थे। अच्छा। वाजिद बुखारी, और उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। ऐसे एजाज शाह एक थे, होते थे जिन्होंने फॉरेस्ट गेट में बनाया था वो, उनका इंतकाल हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। क्या बताऊँगा आपको कि अब मेरा हाफजा काम नहीं करता, और बहुत से लोगों ने मेरी मदद की जिनकी बगैर मदद के मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन एक बात तो मैं अड़ा रहा था। देखो दो बातें याद रखो, एक बात तो ये है, ये जुलूस ना मेरा है ना तुम्हारा है, इसकी मिल्कियत जो है इमाम ज़माना की है, ये हमेशा मैंने दिमाग में रखा है। पर ये जो है हमारा से कुछ लोग हम काम करते हैं, ठीक है हम जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेते हैं, लेकिन जुलूस की जो मिल्कियत है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो मौला का है। और इसी उस पर मैं बच्चों को समझाता हूँ, ये पैसे उसे जो है मिक्सअप ना होने पाए कभी। हमने अलग बना रखा है एक जगह कि अगर कोई पैसा रह के मिक्स ना होने पाए। तो और अल्लाह का शुक्र है कि 1983 में या 4 मैंने अकाउंट खोला था, आज तक वो अकाउंट कम नहीं हुआ है, वो अकाउंट बढ़ता ही रहता है, और बड़ा एहसान है। अब आप देखें ये जो है जरी वगैरह जो आई हैं, ये सब हम ही लाए हैं, मतलब मिशन ही की हैं, मतलब मौला की हैं, लेकिन ये कि वक़ार उस ज़माने में अनमेरिड था तो पैसे काफ़ी उसके पास थे स्पेयर में, तो वो बनवा के लाया। छोटा भाई है मेरा वहाँ पर लाहौर में, वो बनवा के नहीं दे रहे थे, वो कह रहे कल लाओ परसों आओ। छोटा भाई मेरा डायरेक्टर था उसमें वापडम में, मैंने उसे टेलीफोन किया कल आज आ चुका था, करें वो वहाँ गया सुबह आके बैठ गया, मैं कह रहा आज हो जाएगा, मैं कुछ नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने जब भी बन जाएगी पैक हो जाएगी एयरपोर्ट पहुँच जाएगी तब मैं जाऊँगा, मगर तुम लोग की खैर नहीं। लोग उसे डरते हुए थे, बहुत दफ़े हुआ है कि कोई राह नज़र नहीं आ रही है, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ जितना तुम कर सकते हो करो, उसका छोड़ दो मौला पर, मौला जाने उनका जुलूस जाने, हम वो जितना कर सकते हैं करें। तो ये लोग कभी घबरा जाते हैं, शुरू में वक़ार बहुत परेशान रहता था पैसे के लिए, मैं कहता हूँ फाइनेंशियली हमने तुम्हें कहा था कि जितनी भी जरूरत होगी वो हम देंगे, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम उसकी फिक्र ना किया करो, बस आप इस मिशन को ले कर आगे चलें। अब बड़ा मेहनती है, बहुत काम करता है, और उसने ये जो जुलूस है उसमें बहुत बड़ा उसका हाथ है कि ये जो आज पहुंचा है यहाँ पर। अब जैसे कोई मेरे ख्याल से 85 अलम हमारे पास हैं, जरिए हैं, झूला है, लैंटर्न है, फ्लैग्स हैं, ये सब इसी की है। मेरे ख्याल में इसी में एक मैसेज है कि वो लोग जो अभी तक ये डर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए या जुलूस नहीं निकालना चाहिए, उनको एक मखसूस कोई एक बताएं एक चीज़ के वो क्या स्टेप उठाएं कि वो आगे बढ़ें।
हर जगह पे, जिस तरह ये लंदन में आप लोग कर रहे हैं, यूरोप की बड़ा है मसलन, और फ्रांस में है, इटली में है, स्पेन में है, नॉर्वे में है, हमारे यहाँ पे भी ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर में भी लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। एक डर है उनके अंदर, मेरी बात होती है तो वो अभी भी उनके अंदर एक डर खौफ है, उस डर खौफ को कैसे खत्म करें? वो उसके बजाय वो एक ही चीज है, डोंट थिंक अबाउट इट, बस ये कि ये मौला काम है, सोचो पहले कि सही कर रहे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, सोचो समझो, बैठ के लोगों से बातें करो, और वंस यू डिसाइड जस्ट डू इट, और इसकी फिक्र नहीं करो कोई क्या कहता है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है, अगर आप हक पर हैं तो फिर, और ये कि मॉडरेशन में रहें आप, फॉलो द रूल्स, सी व्हाट यू कैन डू, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। चाहे आप फ्रांस में ये बहुत होता है और मुसलमानों को, और इनका आप करें, शराफत से करें, बिल्कुल क्लियर करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें जो बचाने वाला है उसकी वो बहुत ताकतवर है, वो ताकत, वो सबसे बड़ा ताकत है। और फिर जिसके लिए आप कर रहे हैं, नवाज शहर रसूल के लिए जब काम कर रहे हैं आप, तो वो बचाने वाला जो है वो, तो उसकी आप फिक्र न करें, लेकिन ये कि आप ज्यादा नहीं करें वहाँ जाके, ख्याल करें लोगों का कि भाई जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है आप निकालें, आपको ज़रूरत नहीं किसी गाली दे, किसी की बुराई करें, जुलूस है आप बताएं ये जुलूस क्यों निकाल रहे हैं। हम ये बात नहीं कहते कि इमाम की बात कि देखो तुम वो गदीर तो भूल गए, हम कर्बला को नहीं भूल रहे देंगे, और ये है हकीकत है कि लोग कैसे गदीर का 6 महीने में कैसे भूल गए भाई, कैसे पॉसिबल है? और वो एक दो आदमी वहाँ पर नहीं थे, एस्टिमेट है कि मिनिमम 70 to 80 thousand, मे बी 110,000 और 20,000, इतने लोग वहाँ पर थे, सब भूल गए, और 6 महीने भूल गए, 10-20 साल हो जाते तो कहते हाँ भाई पुरानी बात है, बहुत आधे मर गए आधे जिंदा है, 6 महीने लोग भूल गए। तो इमाम का जो कौल है कि तुम गदीर को तो भूल गए हो, लेकिन कर्बला को आप नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह, और वो एक ट्रेडिशन है। मेरा अपना बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ कि आज शियाइज़्म जिंदा है इन जुलूसों की वजह से, क्योंकि अगर जुलूस नहीं होते तो शिया जो थे पॉकेट में रह जाते हैं, और 50 वहाँ पर हैं, 30 यहाँ हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता उसके अलावा, बिल्कुल माइनर मिनॉरिटी में होते बस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल सिर्फ जाते जाते एक साथ करता जाऊँ, जब पहला आइडिया आपको आया कि आपने जुलूस निकालना है, मसलन आप बैठे होंगे, जारी बात है, एक क्लिक आई जेहन में कि ये मैंने काम करना है, वो क्यों वजह था, उसकी पीछे क्या थे, वजह क्या? इसमें मौलाना सदवारी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने, आपने आइडिया उनको दिया? आइडिया तो कहाँ से निकला ये नहीं कह सकता मैं आपको, मैं कोई इस पर क्रेडिट नहीं लेना चाहता किसी चीज़ का, लेकिन वो ही वॉज द मैन बिहाइंड इट, वो हर चीज़ हर जगह पुश करते थे, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और उनकी फैमिली यहाँ थी नहीं, अकेले थे उस ज़माने में। तो मौलाना सवाई साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। अब इज़हार भाई आपसे ये पूछना मैं चाहूँगा कि जब आप कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जब अहले बैत के लिए कोई काम करता है ना, तो वो उसके अंदर एक पॉजिटिव ही आ जाती है, उसको खुदा की ज़ात कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देती है। आप जो है गुज़श्ता 42 साल से गलत बने, 42 साल से ये काम कर रहे हैं, मौला की खिदमत कर रहे हैं, मौला के अलम को लहरा रहे हैं उस जगह पर जो एक अमूमन कहा जाता है ये कुफ्रिस्तान, उन चीज़ों के बाद मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि आप खसूसन अपनी औलाद में और अमूमी तौर पर पूरी कम्युनिटी में जो आप काम कर रहे हैं अरबाइन के हवाले से, इसके रूहानी, इखलाकी और मजहबी तौर पर, इल्मी तौर पर आप अपनी औलाद पे और कम्युनिटी के ऊपर उसके मुस्तकबिल में आप इसके क्या देखते हैं कि ये कहाँ आप इसको देख रहे हैं? ये तो दुआ है, सिर्फ ख्वाहिश है कि 100 साल के बाद भी ये रहेगा जिंदा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो किसी के दिखाने के लिए नहीं करता,
ये अपनी अपनी नज़र तक ये इबादत है। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि आज जिंदा है जो शिया आज़म, वो है इन जुलूसों के जो 10 तारीख को, 8 तारीख को, या कोई ये जुलूस जो हैं, 8 तारीख को कोई जुलूस नहीं था, 9 तारीख को कोई जुलूस नहीं था, 10 को कोई जुलूस नहीं था। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम खुद जाते हैं उसमें। इस्लाम में एक ही जुलूस है सिर्फ, वो है अरबईन, जो हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम ने लीड किया था, और उसमें सिर्फ औरतें और बच्चे थे, कोई और मर्द नहीं था, मतलब बिलोंगिंग टू दी अहले बैत या हाशमी खानदान तो कोई नहीं था उसमें, और वो अकेले इमाम थे और बच्चे थे और औरतें थीं। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इस्लाम में जुलूस वलूस नहीं होता, पर एक ही है जुलूस जिसको कहते हैं अरबईन। और ये भी चौथे इमाम ने कहा है कि हम इसको भूल नहीं देंगे, तो वो हम उस पर हम कायम हैं। और अब ये जो ना ये एक फोकल पॉइंट है, आप देखें 30-40 हज़ार अहले तशी वहाँ जमा होते हैं, कोई 5 साल बाद मिल रहा है, कोई 6 साल बाद मिल रहा है, कोई 2 साल बाद मिल रहा है, तो वो एक तरह से फोकल पॉइंट हो जाता है। और शिया के, अच्छा तुम भी शिया हो, तुम भी शिया हो, अच्छा हमें तो पता नहीं था, और मालूम है ये अमेरिका से आया है, ये जर्मनी से आया है, लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं लोग, तो वहाँ पर बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं कि वहाँ पर उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते। हमें एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आई गॉट द सॉल्यूशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हाँ, एक साहब ने भेजा कि ये करें आप, ये देखें, ये जब हम किसी को प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो हमें सॉल्व कौन करेगा। तो ये यानी हमारी जो नई नस्ल है, हाँ, इन जुलूसों के जरिए, हाँ, और खासतौर पर जो अरबईन के बहुत जरूरी है, उनकी तरबियत, हाँ, हर लिहाज से, चाहे वो इखलाकी हो, हाँ, चाहे वो मसबी हो, उनकी हो रही है। अब वो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं, शौक है, मातम करेंगे, सुनेंगे स्पीचेस, और स्पीचेस टू द पॉइंट होती हैं, हर आदमी 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं करता, और टू द पॉइंट उन्हें कहते हैं कि बात करें बस, और कुछ नहीं करें, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करें। और इस जुलूस की कामयाबी की वजह भी यही है, लोग इसीलिए हर जगह से, मैं कहता हूँ पूरी पूरी दुनिया, बड़ी दूर दूर से आते लोग, बड़ी दूर से यूरोप से लोग आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से आते लोग, जिनको मैं खुद जानता हूँ, जो आते हैं यहाँ पर। और हमने बस ये ख्याल रखा कि भाई इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है, पॉलिटिक्स में भागता हूँ, मैं डरता हूँ, मुझे कह दे कि मुझे आती नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ईमान का, ये मेरा ईमान है कि आज जिंदा है शिया इन जुलूसों की वजह से। लबैक या ज़ारा यूके ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ख़वातीन जो हैं वो भी इस जुलूस में भरपूर अंदाज से शिरकत कर रही हैं, और इस दफ़ा वो मौक़ब भी, पिछली दफ़ा भी लगाया था, इस दफ़ा भी वो अपना मौक़ब भी लगा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर बड़ी तैयारी के साथ वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो लबैक या ज़ारा के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि ये लोग, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और काम को कायम रखें, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ समटाइम्स यू फेल टू डू अचीव एनीथिंग दैट यू वांटेड, लगे रहें। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि आप लगे रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और जितने दिनों से लोग काम कर रहे हैं, याद तो नहीं कितने साल से काम कर रहे हैं, 22 साल हो गए, 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, और आपको ये तौफीकात में कि हर जगह आप पहुँचे हों, जो रिकॉर्डिंग करके, जो आप जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर, आप जानते भी नहीं इसका कितना असर होता है। लोग जब सुनते हैं, देख सुनना और देखना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। किताबों में लेके पढ़ लें वो ठीक है अपनी जहाँ पर, लेकिन वो बात नहीं आती जो सुनने और देखने से होती है। तो लबैक वाले ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। जो ये जुलूस जो हम निकालते हैं, जिसको हम अरबईन जुलूस कहते हैं, इसके अंदर आधी से ज़्यादा औरतें थीं,
और वो इसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह जैसी थी, तो ये कहना कि औरतें जो है हमारी जुलूस में नहीं जाती, ये बड़ी जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब जो है हमारे लेडीज जो है बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। और मेरे ख्याल में इन्हीं ख्वातीन, हमारी ख्वातीन ही हैं जिन्होंने आज़ादारी को और मजलिसों को कायम किया हुआ है, कायम रखा हुआ है। और वो ख़ास तौर पर जो अपनी जो बच्चों की जो तरबियत करती हैं, वो एक बच्चे की तरबियत नहीं कर रही होती, बल्कि वो एक पूरे खानदान की, बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरबियत कर रही। जो मैंने कहा था मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि दे शुड कम इन लार्ज नंबर, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय के दुआ कर सकता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लार्ज नंबर में आने की कोशिश करें जैसे पहले आते थे। हम चाहते हैं कि हमारा जो जुलूस है, एक नंबर है मफरूजा, लेट्स से 30,000, कि नेक्स्ट ईयर ये 40 को हो, 50 को हो, 60 को हो, मैं चाहता हूँ। और इसमें ईरानी भाई बहन हमारे बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। प्लीज़ डू व्हाट यू कैन टू मेक दिस ए बिगर एंड मोर सक्सेसफुल प्रोसेशन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ जनाब इज़हार हैदर साहब के बेटे और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं इस वक्त पूरे जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको बताया था कि इज़हार भाई ने बताया था कि गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से तकरीबन अब सारी जिम्मेदारी जो है इस प्रोग्राम की, इस प्रोटेस्ट की, वो जनाब वकार हैदर साहब जो हैं भाई जो हैं वो कर रहे हैं। तो वकार भाई, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये पूछना चाहता था कि इस लास्ट ईयर भी आपने कुछ चेंजिंग बताई थी, कि जो नई चेंजिंग हुई थी इस प्रोटेस्ट में, कोई नई चीज़ें भी आपने शामिल की थी। इस दफ़ा पहले तो ये बताएं कि रूट क्या है, क्या वही रूट है, कोई इसमें तब्दीली तो नहीं आई? जी, आप याद होगा पिछले साल एक मसला था कि बाबलाज तकरीबन 30 साल से 1988 से हम लोग बाबलाज में हैं, उससे पहले हम लोग हाइड पार्क में थे। तो पिछले साल एक माउंट था, एक लाइक आठ फुट पहाड़ी थी बाबलाज में, तो पूरा वो कभी बंद हो गया था। और थोड़ा सा जगह जगह बाकी थी जहाँ पे फवारा था, फाउंटेन था, वहाँ पे जो है नमाज हुई थी, वहाँ पे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो बरामद हुआ था। कम जगह थी, तंग जगह थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ से बरामद हुआ। इस साल जो है मामला जो है वापस आ गया, यानी कि पूरा जो मैदान है, जो एरिया है, पूरा क्लियर है। तो जैसे 2 साल पहले था कि पूरा मामला और जो ग्रास एरिया है, जो फील्ड है, वो सब जो है इस्तेमाल में आ गया चाल अलबैन के लिए। रूट वही है और शेड्यूल वही है, यानी कि ठीक 12 बजे इंशाल्लाह, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन आवर, बच्चे जो है उनका मौका है। आपको याद होगा हमने आपसे कहा भी था पिछले साल, ये कुछ साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले जुलूस जो है वो ख़त्म हो चुका था। समर का ज़माना था और हम लोग पैकिंग में मसरूफ थे। एकदम से एक आलमदीन दोस्त नजर आए, क्योंकि वो बड़े लंबे थे, ईरान से आए हुए थे, और साथ में एक पाकिस्तान के वहाँ थे रजीफ साहब जो बोल्टन के, और वो मतलब कि हाइट काफ़ी कम है, तो वो दोनों नजर आ रहे थे, दो इमामा जो है वो पहन के आ रहे थे। जब वो पहुँचे और जैसे कहते जुलूस ख़त्म हो गया था, सब वो जा चुके थे, बस पैकिंग चल रही थी, तो तर्जमा किया था मौलाना नजीफ साहब ने, कि उन्होंने कहा कि वकार, ये जो अरबईन जो है, अरबईन के दिन सिर्फ एक इमाम थे, तन्हा इमाम से ज़्यादा इस्लाम वो अरबईन पे कबला पहुँचे थे, लेकिन तादाद जो थी वो औरतों की थी, वो खासतौर से बच्चे ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा अरबईन पे लंदन में आप लोग बच्चों को लेकर आए, बच्चों को इंकरेज करें। तो कई साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जुलूस में बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे अरबईन में हुआ था। और इसलिए हम लोग जो है कई साल से हम लोग कर रहे हैं अंडर 16 वॉलंटियरिंग ऑनलाइन। आप जाइए वेबसाइट पे www.arbainuk.org, उस पर देखेंगे अंडर 16 वॉलंटियरिंग, और अपने बच्चों को आप प्लीज़ जाके इनरोल करवाएं, चाहे वो अलम उठाए, जनाब स्कीना की लैंथन उठाए, फ्लैग उठाए, बहुत सी चीज़ें जो है बच्चे उठा सकते जुलूस में,
और इसी तरह से जुलूस जो है अब शुरू होता ही बच्चों से, यानी जो फ्रंट जुलूस का है, पहले मर्द थे, अब यह है फ्रंट पे बच्चे हैं और बच्चों के साथ जो चीज़ें मंसूब है, यानी हज़रत अली असगर का झूला है। अब इस साल जो हम लोगों ने क्या किया है कि कर्बला मौला से जो अब जो लोग जा चुके हैं कर्बला और सबको मौला ले जाए कर्बला ज़ियारत पे, तो वहाँ पे जो मकाम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम है तो वहाँ पे कुर्ते मिलते हैं मन्नत के औलाद के लिए, तो वहाँ से 50 कुर्ते लेकर आए। तो इस साल जो है इंशाल्लाह जिनको चाहिए जिनकी मन्नत है औलाद के लिए वो वहाँ से कुर्ता जो है वो कुर्ता कर्बला ही से ही आया, उसी मकाम से आया। तो जैसे बताया कि 12 बजे जो है चुड़ रहा है, फिर 12:55 पे ठीक अजान ज़ोहरैन और फिर इंशाल्लाह 1:15 बजे जो है मेन जो स्पीचेस है वो शुरू होंगे। चूँकि वक्त कम है तो दे आर ऑल शॉर्ट स्पीचेस, 10 मिनट का स्पीच होता है। तो मसलन हुजरत इस्लाम आगा अली आलमी जो मजमा के हैं वो फारसी में देंगे, हुजरत इस्लाम सईद अली कंबर रिजवी जो रायबरेली के हैं जो आजकल आए हुए लंदन वो उर्दू में देंगे, और सईद उमर फरवा जो है वो इंग्लिश में भी और उर्दू में मसाइब देंगी, डॉक्टर रेबेका मास्टन जो है वो देंगी स्पीच इंग्लिश में। तो इसी तरह से जो है वी हैव अबाउट 6-7 स्पीचेस, 4 स्पीचेस विल बी इन इंग्लिश और फिर बाकी एक उर्दू एक फारसी वसन और एक अरबी होगी इंशाल्लाह। तो उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 2 बजे से 2:30 बजे तक जो है जुलूस बरामद होगा, और जैसा ने पहले फरमाया कि पहले बच्चे जाएंगे, फिर ख़वातीन होंगी, फिर मर्दों का होगा और फिर कुछ मिक्स भी होगा जो फैमिली से है। तो ये जो है जाएगा जैसे जाता है हर साल डाउन पार्क लेन यानी कि साउथ बाउंड, और जाएगी अप टू कज़न गेट जो बाकी पैलेस से पहले जो पहले एक जो पहले आता है क्रॉसिंग टर्न बिल्कुल वहाँ जाएंगे तो फिर चलो वापस आएंगे वही जो रूट हमेशा। हाँ जुलूस हमारा जो मौला का है वो है बड़ा स्लो जुलूस, यानी कि हम लोग सिर्फ चलते हैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर लेकिन इट टेक्स 3 आवर्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन 5:15 बजे इंशाल्लाह जो है वहाँ पे ज़ियारत अरबईन होगी इंशाल्लाह। और जैसे आप जानते हैं मोमिन जानते हैं कि अब जो है माशाल्लाह कई चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, मैं वही पूछना चाह रहा था जो नई चीज़ें आई। अच्छा अभी इस दफ़ा मौकब जो है वो कितने होंगे? मौकब जो है और चैरिटी स्टोर्स दो चीज़ें होती हैं माबलाज में जो कई सालों से काफ़ी एक्सपैंड हुआ है, यानी कि पहले 30 साल जो है जितना भी तवरुक था वो था ट्रस्ट की तरफ से, ये जो हम लोग जो ट्रस्ट था उसी तरफ से था जितना भी इंतज़ाम था। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी तकरीबन 10 सालों से आहिस्ता आहिस्ता लोग आ गया है, जैसे आपदी फैमिली है जो सूप बनाती है हर साल या रहमान फैमिली है, तो इसी तरह से माशाल्लाह अब जो है इस साल तकरीबन कम से कम 10 मौकब हैं मौकब जो है, और हर किस्म का मतलब सोचिए कि वो जो है तबरुक जो है तकसीम होगा, चाहे वो बिरयानी हो नान कबाब हो चाहे समोसे हो चाहे वो शरबत हो हॉट डॉग्स हो पिज्ज़ा हो ईरानी खाना हो इराकी खाना हो हर तरह का, क्योंकि माशाल्लाह मोमिनीन जो है मतलब हर मुल्क से आते हैं वहाँ पे, तो वो सब अपना देख के आते हैं। तो जाते और फिर इस बार चूँकि 4 इमाम बारे जो है माशाल्लाह वो करेंगे मिशी, वो भी कौन कौन से वो पैदल आएंगे, तो एक स्ट्रैफर्ड का मोमिनीन है, शौदाए कर्बला बाकी में, हुसैनी मिशन आइज़वत हांसलों में, और इदारा जाफिया टूटिंग से। और ये बड़ा काम है, ये जो शुरू हुआ है 2 साल पहले, इस साल ये 30 साल है, यानी कि और उस ख़ास तौर से इसमें रोल ख़वातीन का है, जितना ख़वातीन ने एक्टिव रोल लिया है कि नहीं हमें चलना है पैदल, चूँकि हम कर्बला नहीं जा पा रहे इस साल तो हम लोग चलेंगे पैदल। अच्छा सर आपने बात की ब्लड बैंक के हवाले से, वो इस दफ़ा जी कई सालों से कुछ चीज़ें हम चाह रहे थे, एक तो ये था कि टीवी स्क्रीन जो अब हो गया है आखिर 4 साल से वहाँ पर टीवी स्क्रीन है, और टीवी स्क्रीन का बड़ा रोल है, जो टीवी स्क्रीन जो आप आता है जाइंट टीवी जो होता है वो 9:00 बजे शुरू होता है, यानी 3 घंटे पहले शुरू होता है, और वो 2-2 मिनट के क्लिप्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, और आप हैरान हो कितने लोग सुनते हैं। अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम लोगों को काम पीछे भागे गए हम बताएं कि हम कर क्या रहे, जब लोग टीवी देखते हैं और सुनते हैं तो वो खुद ही आते हैं पूछने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। इसी तरह बाथरूम्स का टॉयलेट्स का, पहले हमारे पास 10 होते थे टॉयलेट्स, अब इस साल हमारे पास 20 है, और ये भी इंतज़ाम इस बार पहली बात मतलब हुआ कि लोगों को शिकायत के 3 घंटे बाद जो है वो टॉयलेट जो है वो फुल हो जाता है,
यानी वेस्ट टैंक फुल हो गया, पानी ख़त्म हो गया। इस मरतबा क्या हो रहा है कि ट्रक आ रहा है अच्छा 3 बजे और वो दोबारा इसको करेगा खाली और पानी भी डालेगा फ्रेश रिफिल सारा कुछ एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह इस साल जो है पूरा शाम तक इंशाल्लाह बाथरूम के यानी टॉयलेट्स के इंतजाम होंगे इंशाल्लाह। इस बार 3 बजे जो है वो ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप बात कर रहे थे ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक जो है वो तो तकरीबन 10 साल से कोशिश में थे हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इस साथ एक हुआ एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वो ये हुआ है कि इंशाल्लाह इमामी मेडिक्स जो है जो हर साल वहाँ पर लगाते हैं माखी लगाते हैं और इस साल भी इनका माखी काफ़ी बड़ा है। इमामी मेडिक्स का जो है माखी साल है वो 15 मीटर का है। अच्छा उसमें जो है मोमिनीन के हेल्थ चेकअप के लिए बहुत से मोमिनीन बस टाइम नहीं होता है या जाते नहीं है, सुस्ती होती है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए या अपना ब्लड टेस्ट करवाए। तो ये सब इंतजाम जो है इस साल यहाँ पे है और प्लस NHS के स्टाफ भी शामिल है। अच्छा, अपने तो अपने तो डॉक्टर्स हैं लेकिन NHS वो भी दे रहे हैं, वो अपने स्टाफ भिजवा रहे हैं टू असिस्ट। एंड ब्लड टेस्ट ब्लड डोनेशन जो है ये इस साल बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो तो वी आर लुकिंग फॉर डोनर्स और जैसा पहले बताया कि हर चीज़ वेबसाइट पर। तो जो जो भी इंसान मोमिन मोमिनात चाहते हैं कि अरबईन के मौके पर सईद शहदा अलैहिस्सलाम के नाम से खून दिया जाए इंसान के नाम से, इस साल आपके पास मौका है। तो इंशाल्लाह आप जाइए वेबसाइट पे www.arbain.org और वहाँ पे एक है फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन, उस पर 2 लिंक्स हैं। पहला लिंक ये है कि आपको फॉर्म भरना ऑनलाइन, बहुत ही मुख्तसर फॉर्म है विद NHS। फिर आपके पास जो है कुछ वक्त के बाद आपके पास जो है उनके से एक ID नंबर आ जाएगा, तो उस ID नंबर को आप करना है ईमेल, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है IMI को, और फिर आप जो है इंशाल्लाह आपको स्लॉट मिल जाएगा इंशाल्लाह ब्लड डोनेशन का। सो दैट्स हम लोग पब्लिक दिखाएंगे, देखिए हम लोग जो है मुसलमान अपना खून दे रहे हैं पब्लिक के सबसे बड़ी बात। इस दफ़ा कितने वॉलंटियर आपके अब तक? अब तक तकरीबन 250 वॉलंटियर्स रजिस्टर हो चुके हैं एडोस डे और हम लोग कोशिश करते हैं कि 300-350 रजिस्टर हो जाए और अभी भी कुछ दिन बाकी है। और स्पेशली आप जानते हैं हम लोगों को कि हम लोग आखिरी दिनों में लोगों को होश आता है, तो स्पेशली आखिरी दिनों में ना मतलब परसों जो है कुछ को तो सेम डे भी आता है। हाँ तो ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि आप लोग प्लीज़ जो है कोशिश करके पहले से वॉलंटियर करें। हर साल जो है हम लोग जनाब सकीना सलाम जो शबी ताबूत जो प्राप्त होता है और लोगों को होता है कि चूँकि शाम में कैद खाने में दफन हुई थी कोई जनाजा बराबर नहीं होता, इसलिए हम लोग जो है हमेशा ताबूत खाते हैं। और ये वो ताबूत है जो लंदन में बहुत से लोग देखते भी गौर से कि इतना ताबूत छोटा क्यों है, मतलब जो पब्लिक है कि समझे कि किसी बच्ची का है, किसी बच्चे का ताबूत है। तो कई साल से हम लोग कोई कोई चीज़ें हम लोग तकसीम करते हैं बच्चियों के लिए जनाब सकीना सलाम अलैहा के नाम से। तो तकरीबन हम लोगों ने 4 साल हम लोगों ने चांदी की बालियां तकसीम की। तो इस दफ़ा जो है हम लोगों ने कर्बला मौला से वो मंगवाए ब्रेसलेट्स। अच्छा तो वहीं से हम लोगों ने खरीदे 400 ब्रेसलेट। तो जो भी पहले बच्चियां वहाँ पाएंगी उनको वो दिया जाएगा हदिया के तौर से जनाब सकीना सलाम अलैहा की ताबू की तरफ से एक ब्रेसलेट इंशाल्लाह। अच्छा अब जो मोमिनीन के लिए आखिर में मैसेज क्या है कि मोमिनीन से गुजारिश है जो भी वहां पे आता है मामलाज पे पाकलेम पे याद करें क्या मौला के अरबईन पे आए और इसी तरह आप बिहेव कीजिए किसी के जनाज में आप आए। तो उस तो ये जो होता है कभी लोग तो हंसी मजाक ये ना किया हुआ आपने बहुत याद रखे कोश सोचिए कि शायद आप कर्बला में हम लोग के क्या होता है हम लोग यहाँ पे या पाकिस्तान में या इराक में या जहाँ पे ये निकलते जुलूस इसलिए निकालते हैं कि हम लोग खुद कर्बला में नहीं है तो इमाम के याद में चुका वहाँ नहीं है। तो हमारा क्या मैसेज है जो लोग कर्बला और शाम अरबईन पे इस साल नहीं जा सकते वो प्लीज़ आके मामलाज पे पुरसा दें और फुली वहाँ पे करें पार्टिसिपेट और उसी जज्बे से आप आए कि हम कर्बला पहुँचे। ये आपको जहन में होना चाहिए कि हम लंदन क्यों जा रहे हैं, जुलूस पे क्यों आए हुए हैं, किस के जुलूस पे हम आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 ये है कि सफाई, हमें अपना इमेज कायम रखना है,
हम लोग हर साल जो है हम लोग रात के अंधेरे में हम लोग उठाते रहते हैं लीटर। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि जो भी हम वहाँ पे आप खाएं पिए या लीटर जो है आप साथ घर ले जाएं, या जो बिन्स वहाँ पे या ब्लैक बैग्स वहाँ पे हमारे पास वॉलंटियर्स हैं उसमें आप डालिए, कम से कम वॉलंटियर को ही कॉन्टैक्ट कर। हाँ, आप प्लीज़ गिराए नहीं, चूँकि वो पूरा काम हम लोग उठाना पड़ता है रात के अंधेरे में, और फिर उससे इमेज भी बुरा आता है कि लोग जो है सफाई पसंद नहीं है। एक और रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हम हर साल कहते हैं कि ख़ास तौर से जो होते हैं अज़ादार कि मातम के वक्त अब तक कमीज ना उतारे, इसलिए कि हमें मसले होते हैं, कंप्लेंट्स आती है, हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई कंप्लेंट आए, हम चाहते हैं कि हर साल जो है वो कंप्लेंट फ्री हो। लास्ट ईयर पुलिस हम लोग से बहुत खुश हुए थे क्योंकि हमारे जो स्टूअर्ड्स हैं और वॉलंटियर्स हैं दे वर्क वेरी हार्ड। ये जो इतना बड़ा जुलूस बरामद होता है उसकी वजह ये भी है कि जो हमारे स्टूअर्ड्स हैं, मुर्तज़ा है जो जो इंचार्ज ऑफ स्टूअर्ड्स और जितने वॉलंटियर्स हैं दे वर्क वेरी हार्ड। वो सुबह आते हैं 9 बजे और शाम को 6 बजे 7 बजे सफाई करके जाते हैं। सो जो भी वॉलंटियर्स या स्टूअर्ड्स आपसे कोई बात कहें उसको प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, और आपको मसला है कोई परेशानी है तो किसी भी आप वॉलंटियर को आप तक कर सकते हैं। थैंक यू वकार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा वहाँ से आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह सिर्फ दोबारा भी आपसे गुफ्तगू वहीं पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, अभी आपसे हमने बात करवाई, हमारी बड़ी अच्छी बातें हुई हैं जनाब इज़हार हैदर साहब से और जनाब वकार हैदर साहब से जो उनके साहबजादे और चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। नाज़रीन, जो उन्होंने गुजारिशें आपसे की हैं उसको अपने जहनों में रखिएगा, जब आप जुलूस में शिरकत करें तो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें और यही समझें कि आप पुरसा दे रहे हैं, और उसी जहन में उसी चीज़ को जहन में रखें कि नजफ़ से जो करबला की तरफ जो वाक है उसी वाक को जहन में रखते हुए आपने पुरसा देना है, और ये देखिएगा कि आप किसको पुरसा दे रहे हैं। आप गमे हुसैन में शरीक हैं, आप अरबईन हुसैनी में शरीक हैं, और हमारी ख़वातीन बहनों से भी गुजारिश है कि वो अपने जहनों में जनाब सकीना को और जनाब ज़ैनब अस्सलामुल्लाह अलैहा को अपने जहनों में रखें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह मार्बल आर्च में। शुक्रिया।